क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इजी बट इंटरेस्टिंग। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे होता है कि इसके 3 नंबर, वो बस ये देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द, और देखो सीबीएसई 2020 बोर्ड में आया ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन consumed during the year that would appear in the income and expenditure on the debit side. Okay, material consumed ka formula hota hai opening stock plus purchases minus closing stock. Yahan pe stock of material on 1st April 2018 opening, creditors opening, stock of medicines closing, creditors closing. Opening stock closing stock given hai medicines aur creditors ka. Advance for medicines, so advances to suppliers, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग नहीं गिवन तो ओपनिंग जीरो, बट क्या गिवन है, क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस। हम अगर कैश परचेजेस गिवन हो तो भी क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। क्रेडिटर्स आपको होगा कि अकाउंट्स का आपको लॉजिक समझ आएगा कि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते ही क्यों थे, क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। एडवांस का अमाउंट भी वहीं जाता था, क्रेडिटर्स का अमाउंट भी वहीं जाता था। अगर मुझे क्रेडिट परचेजेस भी गिवन है, कैश परचेजेस भी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूं, टोटल परचेजेस। तो ना तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत, और कैश परचेजेस ऑलरेडी गिवन ही है, तो 276 प्लस 46 तो 322,500 टोटल परचेजेस आ गई। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000, परचेजेस कितनी है 322,500, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। तो 3,72,500 क्या निकला, मेटीरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेटीरियल कंज्यूम निकालने के लिए क्रेडिटर्स यूज नहीं हुए, यही अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स, तो मेटीरियल कंज्यूम तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, फिर आपको बैलेंस शीट में तो इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, एसेट साइड पे एडवांसेस आ जाएंगे, तो बैलेंस शीट में सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, बट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिटर्स और एडवांस का बैलेंस यूज नहीं होता अगर क्रेडिट परचेजेस ऑलरेडी गिवन। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। और ऐसे एक वेरिएंट था जिसमें परचेजेस गिवन थी, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी गिवन है बट परचेजेस गिवन है, लिखा है वर्ड परचेजेस। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि तो फिर वो कैश होंगे, नो वो टोटल होती है। अगर कैश परचेज होंगे तो वो खुद स्पेसिफाई करेंगे कैश परचेजेस इतनी है, वर्ड लिखा होता टोटल परचेजेस या सिर्फ परचेजेस, तो वो टोटल ही होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन था ना, स्टार्टिंग का ही था, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग गिवन था, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन थे, लेकिन यहाँ था मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेजेस गिवन थी, तो क्रेडिटर्स यूज नहीं हुए थे परचेजेस निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा होता पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर वो इम्प्लाइड होता कि वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स थी। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, बट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।